गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम छोड़ दे रहे हैं काजा और चले हैं टूवर्ड्स शिमला, रिटर्न बैक टू होम। कुंजुम पास खुला नहीं है, जिसके कारण अब हमें फिर से शिमला होके जाना पड़ेगा। हमने सोचा था कुंजुम पास खुल जाएगा, जैसे हमने पता किया था कि इस टाइम तक खुल जाता है। चलो नेक्स्ट टाइम फिर मनाली से आएंगे रोहतांग होते हुए कुंजुम करके रिटर्न। फिर ये वाला सर्किट नहीं करेंगे, सर्किट आधा रह गया, वो कंप्लीट करूंगा मनाली के थ्रू। और ये है पूरा काजा, समझ लो बाजार बोल दो, सिटी बोल दो, जो भी काजा। ये उनकी मोनेस्ट्री, CH नंबर, एक MP नंबर दी होनी है। जिमनी बहुत है, मगर इस साइड में लोकलों ने जिमनी ज्यादा ली है, थार से ज्यादा हल्की और छोटी है, कहीं से भी निकल जाती है। ये देखिए ये वाली माउंटेन्स, ऐसे लग रही है कि जैसे बारिश होगी साथ में आया हम लोग के नीचे आ जाएगी। धुप के कारण भी खंदी नहीं है, चमकन दी। हाँ ये रही, जिधर सांप की बर्निया नहीं होती, हाँ लग रही है। और नदी देखिए यहाँ तक आई है हम लोग के बगल तक, कितना पानी आता होगा, जब पूरा बारिश में पानी होता होगा यहाँ। और वो उस साइड वाला रोड चल गया पिन वैली, पिन वैली तो गए नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो कुछ छोड़ के भी जाना चाहिए कि अगली बार आस रहे फिर आने की। यह एक जगह हम लोग रुके थे, वहाँ पर मुझे दिखा एक 4x4 ट्रक, जो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाना जरूरी है। ये रिकवरी वैन है, इसके आगे भी बड़ा वाला क्राउन लगा हुआ, ये रहा, ये देखो ये बहुत सॉलिड है। और इसके आगे में जो विंच लगी है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये रही विंच, अभी तो उन्होंने खोल दी है, ये उसकी पुली है, देखो क्या ज़बरदस्त। ये पूरी तरह से रिकवरी वैन है, BRO की है और ज़बरदस्त। रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, बगल में नदी बह रही है, अभी आगे कहीं देखेंगे, मन करेगा नाश्ता करेंगे या सीधा लंच। ये देखो पानी अभी इतना स्पीड, अभी बारिश आनी बाकी है। मुझे ये दिखी तो मैंने बोला चलो रुक जाते हैं 10 मिनट, मुझे बहुत मन था इसको एक्सप्लोर करने का। और इसका है देखो हॉर्न, हूटर वाला हॉर्न, ये सब में मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं रुक गया था। अशोक लीलैंड की है, अच्छा लगा देख के, और काफ़ी देरी मैंने पहले एक्सप्लोर किया फिर आपको दिखाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि पंजाब तक पहुंचना है। स्पीति वैली छोड़ते साथ किन्नौर वैली आ गए हैं, और ये सब पहाड़ अब किन्नौर के क्लिफ हैंगर दिखने चालू हो गए हैं। नाको हमने पार्क क्रॉस कर दिया है और अब पू पहुंचने वाले हैं 15 किलोमीटर। और ये रोड तो पहुंचते साथ दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ये वाले क्लिफ हैंगर बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी टाइम मिले तो आप लोग भी इसको आके एक्सप्लोर करना, अच्छा है। ये देखो ये पहाड़ पत्थर देखो ऊपर से कैसे गिरा, ये सब थोड़ा सा डेंजरस है मगर एडवेंचर तो मिलता है, थ्रिल करोगे तो मज़ा तो आएगा। ये देखो यही सब में वो वाली जो बड़ी वाली पोकलाइन है, फिर उसका पॉकेट आगे आगे करके रखते हैं कि ऊपर टच ना करें, अगर ऊपर टच करेंगे तो वो फिर टूटने का डर रहेगा, उसको भी दिक्कत होती है। और इधर भी ये देखो जैसे ये पूरा टूट के नीचे आ गया है, यहाँ पर रोड थोड़ी सी वन वे टाइप की हो गई, और दोनों तरफ यही है स्टोन्स वाले पहाड़ हैं। ये देखो बहुत सुंदर तरीके से कर्व्स बने हुए हैं इसके, बारिश में थोड़ा डेंजरस तो है मगर पानी जब ऊपर से गिरता होगा तो और अच्छा लगता होगा, छोटे छोटे वाटरफॉल टाइप। और यही है कि अगर टूट के गिर गए तो फिर लाइफ की रिक्स है, मगर ये है कि मज़ा आता है।
अब आगे में हम लोग को रोका जाएगा वहां पर एंट्री के लिए किन्नौर वैली की, वो तो वहां ब्रिज के पास में रोकेंगे और वहां पर हम लोग से एंट्री करवाई जाएगी। और नीचे में नदी के प्रेशर बहुत ज़्यादा है पानी का, और बहुत सुंदर लग रहा है ये लग क्लिफ हैंगर। आगे भी अब पूरी इसी तरह से हम लोग पहुँचेंगे। चलिए आगे चेकिंग अब हम क्लोज करते हैं, चेकिंग क्रॉस करके आपको क्लिफ हैंगर फिर से दिखाएंगे। ये फर्स्ट वाटरफॉल दिखा हमें, मस्त लग रहा है। और ये पाजी हमें मिले जो कल जो पोकलैंड क्रेन लेके जा रहे थे, हमने उनको भी देखा, उनके लिए भी रुक के की बात करते हैं। और ये वाटरफॉल भी दिख गया, और वो वहाँ पर उन्होंने क्रेन खड़ी की हुई है, आगे रास्ता देखने आए। ये रही पाजी की वाली गाड़ी, आगे ये रास्ता देखने आए थे, अब इन्हें ये लेके जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ। अब वो जो पीछे में सिंगल रोड था इंडो कैनेडियन बॉर्डर की तरफ जा रहा, वहाँ ये बोल रहे हैं कि उस बर्फ के ऊपर तक ये मशीन जानी है। अब पूरे टॉप तक जाएगी कि आधे रास्ते तक ये तो पता नहीं, दिल्ली की कोई कंपनी है उन्होंने काम लिया ऊपर में, वहाँ तक उसको लेके जा रहे हैं। चलो अच्छा लगा उनसे मिल के। ये हम एंटर करके किन्नौर वैली, जो ओरिजिनल क्लिफ हैंगर जिसको बोलते हैं एकदम, वोली वैली में घुस गए हैं। वो छोड़ गया सब कुछ पीछे। ये ट्रिप इतना खर्चा करने के बाद फिर भीमराव वाले का वो भी रैक छोड़ दिया वेल्डिंग, उसने उस पर वेल्डिंग उसने अच्छी नहीं की, उस पर वेल्डिंग ही नहीं हुई है, खाली ऊपर ऊपर वेल्डिंग किया और बोलता वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग ही नहीं है।
अब रास्ते में फिर स्टेपनी उतारी है, फिर से वेल्डिंग करवा रहा, फिर से भीमराला वेल्डिंग करवाना पड़ रहा रास्ते में। यही कारण ओरिजिनल हटाया, भीमरा लगवाया और वही काम भीमरा ने भी किया। फर्स्ट पहले डिफेक्टिव आया, रिटर्न किया, सेकंड में 5 वेल्डिंग के वो लगा दिए स्ट्राइप्स और मेन स्टेपनी वाला पीछे में वेल्ड ही नहीं किया। हद हो गई यार। ये देखो फिर से रास्ते में वेल्डिंग करवाना पड़ा यार। हद हो गई भाई, हद 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 मतलब हद। दोनों साइड वेल्डिंग करवाई है, दोनों साइड। ये देख, जहाँ वेल्डिंग करने के लिए खड़े थे वहाँ के लोकल देवता आए हैं, इसको वो किसी के घर जा रहे हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल है, लोकल है, जिनकी पूजा की जाती है यहाँ पर। भाई ने कोल्ड ड्रिंक ला के दिए। ए ब्रदर, मान लो हम लोग के टायर की वो टूट जाती, स्टेपनी वाली टायर जाता नीचे, वो उसके बाद हम लोग को लाना भी मुश्किल हो जाता। ये भाई उतनी देरी से मजाक कर रहा मेरे साथ। हाँ, मान लो अगर वो स्टेपनी वाला रैक टूट जाता, अभी तो हम लोग परेशान हो गए उसको फिट करते करते, टूट जाता तो ना ही वो टायर हमें मिलता, ना ही अलॉय मिलता, और जो दिमाग खराब होता वो अलग से नुकसान होता। 1,00,000 का टायर और अलॉय दोनों चल जाता, क्योंकि वो जाता सीधा यहाँ पहाड़ों के नीचे। मगर पहले हम डर रहे थे, पता नहीं वो भाई कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वेल्डिंग वाले, मगर जब उनसे बातचीत होने लगी, वेल्डिंग होते होते उनसे इतनी अच्छी बातचीत होगी कि प्यार पड़े हो गया भाई। इतना मतलब मस्त एकदम रिश्तेदारी वाली बातचीत होगी, प्यार इन द सेंस एकदम भाई वाला प्यार हो गया उनसे। और वो बोले हैं, वादा किए हैं कि इस बारी अगर वो उस साइड कहीं पर भी आते हैं तो वो जरूर कॉल करेंगे, नंबर वगैरह शेयर कर लिए। और नेक्स्ट टाइम अगर हम इधर आएंगे, अगर सीजन के टाइम में, तो इनके यहाँ पर फार्म है एप्पल के, और इनके ट्रक्स वगैरह में भी जाते हैं, तो वो बोले कि आप मेरे से एक एक पेटी लेके जाना और साथ में घूमेंगे, वो यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल जो जो प्रोग्राम है सब कुछ दिखाएंगे। और ये गुरुद्वारा मिला हमें, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। ये अब यहाँ से लेके आगे तक जितने भी ट्रीज है सब में पर्पल पर्पल कलर के फ्लावर्स लगे हुए, ऊपर भी जितनी ट्रीज दिख रही हमें सब में पर्पल कलर के इस तरह के फ्लावर्स या पत्ते कुछ भी बोल सकते हैं जो समझ में आ रहा है वो लगा हुआ। चलो, शाम के बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, और दाम महेश रिजेंसी में हमने डिनर और लंच एक साथ किया, और अब चलेंगे सीधा ही यहाँ से शिमला बढ़ जाएंगे। पंजाब जाके गाड़ी करेंगे स्टॉप। हम लोग शिमला पहुंचने वाले हैं और रात के बज रहे हैं 9:20, और पहाड़ से जब नीचे उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं तो जो शिमला बाजार वगैरह ऐसे लग रहा है जैसे स्टार्स वगैरह है जो चमक रहे हैं। अभी तो फिर भी काफ़ी लाइट दिख रही है, जब हल्की हल्की 1-2 लाइट दिखती है तो ऐसे लगता है जैसे स्टार्स दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रात में ड्राइविंग करने का अलग ही मज़ा है पहाड़ों में। फर्स्ट टनल मिली है शिमला क्रॉस करके, अभी हम लोग पंचकूला की तरफ बढ़ रहे हैं, और बीच में एक नई टनल मिली है, पता नहीं नाम तो कुछ लिखा नहीं था टनल के ऊपर, मगर ये नई बनी हुई टनल एकदम ब्रांड न्यू टनल है, और काफ़ी लंबी भी है।
अभी देख लो काफी लंबी है, अच्छी खासी। चलो अटल टनल तो गए नहीं, कम से कम यही टनल घूम लेते हैं।